नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। त्रिपुरा में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी, कहा पहले पुलिस स्टेशनों पर सीपीएम का कब्जा था। कर्नाटक के पुत्तूर में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को रिहा किया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल मांगे माफी, सीजीपीसी प्रधान बोले अरदास में बिना सिर ढके खड़ा होना सिख मर्यादा की उल्लंघना। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा चुप्पी किसी समस्या का हल नहीं, अपना उदाहरण दे बताया जीवन में रिस्क लेना क्यों है जरूरी। आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े संदिग्धों के ठिकाने पर एनआईए ने की छापेमारी, अहम दस्तावेज बरामद। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा में 72,000 करोड़ का होगा निवेश, 110 चिकित्सकीय संस्थान खोलने की तैयारी। जौनपुर में बोले स्वामी प्रसाद मौर्य एक वर्ग धर्म के नाम पर प्रताड़ित कर रहा, न्याय दिलाने तक लड़ाई जारी रहेगी। दुनिया को राह दिखाने वाला प्रदेश बन चुका यूपी, बोले डॉक्टर मनसुख मंडाविया, बोले हेल्थ का डायमेंशन बढ़ा दिया। एटीएस ने अवैध एक्सचेंज में की छापेमारी, लखनऊ से विदेश कराई जा रही थी कॉल। घर में घुसी बेकाबू कार, 2 बच्चे की मौत, पिता और किशोर समेत 3 घायल। तुर्की सीरिया में 28,000 से ज्यादा मौतें, आंकड़ा दुगना होने का यूएन का अनुमान। इजराइल में फिलिस्तीनियों के गुल्फ अटैक की वापसी, 2 लोगों की मौत। ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बम फटा, 24 किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज। भूकंप से तुर्की में 500 मीटर की 2 दरारें आई, ये पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन बनी। बलूचिस्तान प्रांत के कोहलू जिले विस्फोट, 2 ऑफिसर की मौत और 3 सैनिक घायल। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 10 साल बाद पारी से हराया, कंगारू 91 रन पर ढेर। जडेजा पर मैच फीस का 25% जुर्माना, नागपुर टेस्ट में उंगली पर मरहम लगाया था। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में जीता इंग्लैंड, कप्तान नाइट और सीवन ने 67 रन की नाबाद पार्टनरशिप की। महिला T20 वर्ल्ड कप में आज भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में अर्पित का दोहरा शतक, सौराष्ट्र को 500 के पार पहुंचाया। मान्यता ने संजय दत्त के साथ किया डांस, एनिवर्सरी के मौके पर शेयर किया वीडियो। अक्षय ने नोरा फतेही के साथ किया डांस, मजाकिया अंदाज में फैन ने की ट्विंकल से शिकायत। कंगना ने आमिर खान पर कसा तंज, बोली शोभा डे के रोल के लिए नहीं लेना चाहते थे मेरा नाम। पति युजवेंद्र के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई धनश्री वर्मा, स्पॉट इवेंट के लिए पहुंची हैदराबाद।
डीडीएलजे पर बोले शाहरुख खान, कहा मैं डीडीएलजे की जगह पठान देखना पसंद करूंगा, मैं नहीं चाहता राज वापस आए। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।